सो डेट इज 20 अगस्त 2019, आज का दिन अभी तक कुछ ट्रेड नहीं लिया हुआ है, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:30। तो देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ निफ्टी क्या लग रहा है। जो मैंने कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया हुआ था कि आई डोंट थिंक कि एक कचरा लेवल जो बनाया हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऊपर साइड सस्टेन हो सकता है, तो वही हमको यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है। तो आज क्लियर डाउनफॉल आने के चांसेस इसके ब्राइट है। निफ्टी भी वही ट्राई कर रहा है मॉर्निंग से, यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल आ सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, और ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका हुआ है, तो वी विल वेट फॉर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करता है उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। डायरेक्टली नीचे साइड वन साइडेड फॉल नहीं चलता है कभी भी। हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए इसको थोड़ा सा थोड़ा हेल्दी से इसको नीचे जाना है तो थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। तब तक एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको तो विल प्लान फॉर डैट। ओके, सो वी हैव एक्सिस बैंक, ग्रासिम, रिलायंस, टाटा स्टील। एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, रिलायंस, देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने तो पूरा साइडवेज करके रखा हुआ है, कोई काम की चीज़ नहीं हमारी। टाटा स्टील अच्छा फॉल दे रहा है एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसको रडार पे रखेंगे थोड़ा वेट करके। जैसे अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट चल रहा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रिलायंस में भी अच्छा मौका मिल सकता है, ये ब्रेकडाउन सपोर्ट और यहाँ से ब्रेकडाउन, तो वेट करते हैं ट्रेडर्स। फिलहाल अभी 12:30 हुआ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी भी फिलहाल रिट्रेस कर रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे से सपोर्ट लेके रिट्रेस कर रहा है अपसाइड में, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर अपसाइड में अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल भी मिल जाता है तो भी देखेंगे, बट आज लगभग हम लोग मूड बना के बैठे हुए शॉर्टिंग का, तो उस हिसाब से हम फोकस करेंगे। अगर साइडवेज हो गया तो हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत मिल सकती है, बट विल वेट, पेशेंस रख के काम करना है, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। विल वेट, विल अपडेट यू ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड। ट्रेडर्स, एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है मुझे निफ्टी में, सब रेजिस्टेंस, ये क्लियर ब्रेकआउट आया हुआ है। सो दो लॉट यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे, अराउंड थोड़ा सा रिट्रेस होने देते हैं उसको, वेट करेंगे अराउंड 2 के आसपास मिलेगा, या पेंडिंग लगा देते हैं। ओके, अब अच्छा भाव लग रहा है यहाँ पर, ले लिया हमने इसको 1.75 से। अब देखें कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पर। टारगेट एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें इसमें, अराउंड स्टॉप लॉस तो ये ही सही रहेगा, टारगेट एटलीस्ट 30 का लगाएंगे हम लोग, ये लेवल का एटलीस्ट। उस हिसाब से रिट्रेसमेंट आती है एक, तो ये डोजी फॉर्मेट बन जाएगा इसमें। लेट्स सी कैसे एक्ट करता है ये। सो ट्रेडर्स, निफ्टी में एक फॉल आया हुआ है करंटली, जो है हमारा 1600 का यहाँ पर लॉस चल रहा है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि जीरोधा के चार्ट अच्छे हैं क्या, हम लोग उस पर रिसर्च करके काम कर सकते हैं या क्या। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको इशू दिखेगा, अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 85 का दिखा रहा है, 5 मिनट के बाद आप कंटिन्यू इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको डेटा थोड़ी डिफरेंट दिखाएगा। सो ये बहुत इशू है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट ये अगर ट्रेडिंग करनी है आपको, ये सब दिक्कतें जो चार्ट पे बनती हुई दिख रही है, मुझे अब स्टॉप लॉस लगाना है, पहले यहाँ पर 85 का लो दिखा रहा था, अब फिर ये 77.50 का लो दिखा रहा है, तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। सो ठीक है, वो चीज़ को आप ध्यान रखिए, आपको जिस हिसाब से आपका कंफर्ट जोन है और जो आपको यूज़ करना है। मैं पर्सनली शेर खान का ट्रेड टैगर यूज़ करता हूँ फॉर माई रिसर्च एंड स्टडी, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आई एम जस्ट यूजिंग जीरोधा फॉर माई ट्रेडिंग, और आदत हो चुकी है इसलिए मैं और कोई इसमें शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट रिसर्च मेरा अभी भी ट्रेड टाइगर पे ही होता है। ऑलराइट, सो अभी देख लेते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग लो के यहाँ पर, एसएल ऑर्डर हम लगाएंगे लो के यहाँ पर, जो अपना ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था। लो है इसका 7977
चलिए 977 एक दो पॉइंट का बफर दे देते हैं, 75, एंड इसको भी हम लोग 977 ऐसा करके दो पॉइंट का हम बफर इसमें डाल देते हैं। अब अपना स्टॉप लॉस सेट है, करंटली 700 का कुछ लॉस चल रहा है। टारगेट अपना, टारगेट भी चाहिए तो हम सेट कर देते हैं, अभी अपसाइड मूव दे रहा है। टारगेट हम सेट करेंगे इसमें अराउंड 30 का, दैट मीन्स अराउंड आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 77 का हमने ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लगाया 23 एंड अराउंड 2.25, एंड हम लोगों का यहाँ पर टारगेट जो है 27 पॉइंट्स का है। सो वो भी हम लोग सेट कर देंगे, जो इसका हाईएस्ट पीक लेवल है विच विल बी अराउंड 30 का, 30 लगा देते हैं इसमें हम लोग एग्जिट के लिए। लिमिट 11,030, ये हमने सेलिंग के लिए भी लगा दिया। अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर सेट किया हुआ है। मैक्सिमम इसमें लॉस कैलकुलेटर मैंने करके रखा है, अराउंड 3750 के आसपास मेरा इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एंड प्रॉफिट अराउंड 4100-4200 के आसपास हो सकता है। फिलहाल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1:1 के हिसाब से है ये। अगर 11,000 के ऊपर अब जाता है निफ्टी अपना, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं और यहाँ से। सो लेट्स सी कैसे एक्ट करता है हमारा निफ्टी। सस्टेन थोड़ा सा नीचे कम कर रहा है क्योंकि डाउनफॉल के चांसेस ज़्यादा है। ये जस्ट ट्रेड मैंने उस हिसाब से लिया हुआ है कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आ सकती है, जो शॉर्ट्स को जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ उनका ऑर्डर स्क्वीज करके, तो उस हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक अपसाइड मूव यहाँ तक आ सकता है। लेट्स सी, आता है तो बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाएंगे, नहीं तो लॉस लिमिट अपना फिक्स है, 3750 के आसपास अपना लॉस हो सकता है। सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, निफ्टी ने यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट अभी एक ट्राई किया था अराउंड, आपने आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर हाई 11,700 तक भी आया हुआ था ये ऑलमोस्ट। सो सस्टेन नहीं हो पा रहा है थोड़ा इसको, एक बार लाइक ये फर्स्ट ट्राई हो गया, दिस इज द फर्स्ट ट्राई, दिस वन इज द सेकेंड ट्राई। अब अगर थर्ड ट्राई करता है तो वॉल्यूम सपोर्ट करेंगे तो ये इजीली हम लोग यहाँ पर रीच कर सकते हैं। अब थर्ड ट्राई हो सकता है, अगर सस्टेन कर गया अपना ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट आर स्टिल इंटैक्ट, सस्टेन कर जाता है तो बहुत स्मूथ वे में ऊपर जा सकता है निफ्टी अपना। ये लेवल का अपना स्टॉप लॉस है अराउंड 77.50 के आसपास का, सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन कर जाता है तो बहुत स्मूथली जाएगा, अगर नहीं करता है सस्टेन तो यहाँ से फिर ब्रेक डाउन एंड आवर स्टॉप लॉस विल गेट हिट। सो देखें, देखना भी ये बाकी है कि स्टॉप लॉस हिट करवाता है या सस्टेन करता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। ट्रेल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से देखिए वन साइडेड फॉल आया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने ट्रेल नहीं किया हुआ है। अगर हो सकता है कि यहाँ पे जिसके स्टॉप लॉसेस पड़े हो वो हिट करके निकल जाए, एल्स अगर इसको तोड़ देता है तो फिर तो कोई सेंस बनता ही नहीं है कि रुकना उसमें वाजिब है ये ट्रेड में। एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर ये यहाँ से अब अपसाइड मूव देगा, ऑल दो 11,000-12,000 तक भी आएगा तो भी मैं ट्रेल कर लूँगा क्योंकि वो फिर फर्स्ट ट्राई हो गया, सेकंड ट्राई हो गया, फिर थर्ड ट्राई में नीचे की साइड इजीली तोड़ सकता है अगर सस्टेन कर गया तो। ये लेट्स सी, अभी वेट करना पड़ेगा, देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी 50-50, अगर ये सेकंड ट्राई में मार देता तो बहुत इजीली लाइक रीच कर सकता था। अभी थर्ड ट्राई है, वॉल्यूम चाहिए इसमें, इसमें अगर वॉल्यूम कम भी हो जाता तो चल जाता, बट अब इसमें वॉल्यूम्स चाहिए, वॉल्यूम रहेंगे तो ही ये लाइक अपसाइड मूव देके इजी ब्रीच कर सकता है ये लेवल को अराउंड 30 के लेवल को, जो हमने अपना टारगेट रखा हुआ है। लेट्स सी, स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। करंटली अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करें तो अराउंड 1800-1900 की बात यहाँ पर चल रही है, लॉस चल रहा है अपना यहाँ पर। और ट्रेडर्स, कल किसी ने कमेंट किया, लाइक दो चार लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि लैपटॉप वीडियोस बनाना अच्छा है लाइक मोबाइल से ये वो, तो ट्रेडर्स लैपटॉप या वीडियो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोनों में दे देता हूँ, फोकस ऑन दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये स्क्रीन बड़ा है, वो स्क्रीन छोटा है, ये वो सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, एक्सप्लेनेशन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो कि कैसा लग रहा है, आफ्टर ट्रेड भी खत्म हो जाता
रहा था तो मैं आपको साइकोलॉजी पूरी की पूरी बता देता हूँ जो मेरे वो टाइम पे फील कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि मोबाइल वाली थोड़ी सी लाइक शॉर्ट वीडियो बन जाती है और उसमें आपको साइकोलॉजी छोटी सी सुनने के लिए मिलती है और इसमें आपको डिटेल सुनने के लिए डिफरेंस है, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है लैपटॉप में बना पाऊँ। लैपटॉप वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग के लिए टाइम देना पड़ता है एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे अलग जाके कहीं बैठना पड़ता है तो मैं जाके वीडियो बना पाता हूँ। एल्स मेरे जो मेन ऑफिस है मैं वहाँ पर बैठ के वीडियोस नहीं बना सकता हूँ, ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि मेरा क्या पोजिशन पड़ा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर क्लाइंट्स रहते हैं। सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। करंटली अराउंड 2100 के आसपास लॉस चल रहा है हमारा, देखें लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है निफ्टी ट्रेड अपना। सो ट्रेडर्स, जो एक्सपेक्टेड था निफ्टी में फाइनली अपसाइड मूव आ चुकी है। आपको मैंने कहा था कि ये थर्ड ट्राई चल रहा है, फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई और ये थर्ड ट्राई, एंड फाइनली उसमें अच्छी मोमेंटम आ गई। 21 के करीब, 24 के करीब आ चुके हैं हम लोग, 25 पे ये लग चुका है अपना, एग्जिट हो चुका है। देखिए वन साइडेड मूव, बहुत ही सुप्रीम बोल सकते हो आप इसको, मूव आया हुआ है। सी, इसको हम पहले सबसे पहले चीज़ कैंसिल कर देते हैं, दिस इज अवर कैंसल्ड ऑर्डर 4237। देखिए यहाँ पर क्लियर मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि वॉल्यूम आ गया ये थर्ड ट्राई में तो बहुत सुप्रीम जा सकता है। देखिए ये वॉल्यूम आ गया, देखिए दिस वॉज अवर फर्स्ट ट्राई, दिस वॉज अवर सेकेंड ट्राई एंड दिस इज अवर थर्ड ट्राई। थर्ड ट्राई में देखिए आपको मैंने बोला था अगर वॉल्यूम आ गया तो हम ईजीली ये लेवल पे ब्रीच करेंगे और वो लेवल पे ही अपना ऑर्डर यहाँ पर देखिए ट्रिगर हुआ है 11030 का लेवल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, 4237 हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो से कंटेंट मिला होगा और सिस्टम भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या था एग्जैक्टली स्ट्रेटजी में। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा ब्रेकआउट, एक सेकंड में से टाइम देख लूँ मैं, टाइम वॉज 12:30 ओके, क्योंकि इसने दो तीन बार अभी ऊपर आया हुआ है तो ब्रेकआउट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सी दिस वॉज द लेवल, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एंड दिस वॉज द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के हिसाब से मैंने नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था एंड देखिए इसके बाद रैली, देखिए बहुत ही प्यारी रैली आई हुई यहाँ पर, एक्सपेक्टेड था मॉर्निंग में। और ये भी क्यों हो रहा है देखिए ट्रेडर्स, ये मैंने कल की वीडियो में मैंने कहा था जो हम लोग अब लेवल पे हैं वहाँ पर कचरा पूरा एक्सपेक्टेड है, तो ये इतना स्मूथ फॉल नीचे नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि इसने हिस्ट्री में भी ये चीज़ प्रूव की हुई है कि बॉस ये जो लेवल है यहाँ पर बायर सेलर्स का क्लियर कचरा मींस बायर सेलर्स का क्लियर फाइट होता है। इसमें आपके ऊपर साइड नीचे साइड बहुत इजीली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एंड आपके सामने आंखों के सामने टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे आपको आफ्टर यू आर हिटिंग योर स्टॉप लॉसेस। सो अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो डेफिनेटली थोड़े दिन के लिए आप ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए जब तक ये लेवल निफ्टी का निकलता नहीं है। मैं आपको कैश में बता देता हूँ वो लेवल को ध्यान रखिएगा आप, लेवल इज अपसाइड में ये वाला लेवल है विच इज 11,181, लाइक आप 11,190 पकड़ लीजिए, नीचे की साइड में 10,782 आप 780 का पकड़िए या 750-30-60 के आसपास पकड़िए। ये दोनों लेवल जब तक ऊपर एंड नीचे साइड ब्रीच नहीं करता निफ्टी तब तक आपको अच्छा सेटअप नहीं दिखेगा, दिखता भी है तो इजीली स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो ये भी ट्रेड सेटअप देखिए मैंने रूल्स के अगेंस्ट, मैंने आप देखोगे तो मार्केट को समझ के परख के उसके बाद मैंने ट्रेड लिया हुआ है एंड उस हिसाब से ही यहाँ पर एक्ट हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक मिनट पे, देखिए ये फर्स्ट ट्राई था, ये सेकंड ट्राई था, थर्ड ट्राई में मैंने बोला था कि आपको अगर वॉल्यूम आता है तो बहुत ही इजीली रीच कर सकता है ये लेवल और उसके ऊपर भी देखिए निकला हुआ ऑलमोस्ट न्यू हाई के करीब आ चुका है ये। मे बी इसने न्यू हाई मारा नहीं अभी तक, मार सकता है इन फ्यूचर में अभी आगे। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली ट्रेडर्स लाइक कीजिए, हेटर्स डेफिनेटली बैठे हुए वो आपसे ज़्यादा लाइक अटेंटिव रहते हैं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो डिसलाइक बटन दबा देते हैं वो लोग। सो काइंडली सपोर्ट अस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।